हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन आई एस। तो आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। होप आप लोगों का अच्छा हुआ होगा। पेपर जो है मॉडरेट टू टफ था, बहुत ईजी नहीं था। तो आज से हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स। तो जिसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं अमूर्त धरोहर, यूनेस्को की अमूर्त धरोहरें, ये यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं। तो इनको इनटेंजिबल यानी कि अमूर्त क्यों बोलते हैं, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। टेंजिबल और इनटेंजिबल मतलब जो मूर्त रूप में है और अमूर्त रूप में है। जैसे जो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए या फिर जो नेचुरल भी हैं, नेशनल पार्क्स वगैरह उसमें इंक्लूडेड हैं, तो वो टेंजिबल क्यों हैं? क्योंकि हम उनको टच कर सकते हैं, इन एनी फॉर्म छू सकते हैं। बट ये जो इनटेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते। ये फीलिंग्स हैं कोई ना कोई, या फिर कोई रिचुअल है, तो इसे हम बस फील कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है इनटेंजिबल यानी अमूर्त। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इंडिया में कितनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो 15 कल्चरल इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है वैदिक चैंटिंग, मतलब वैदिक मंत्रोच्चार। वैदिक मंत्रोच्चार हिंदी में हो जाएगा, और ये 2008 में इसको शामिल किया गया था। सेकेंड नंबर पे है रामलीला, जिसमें रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन होता है, इसे भी 2008 में शामिल किया गया था। थर्ड नंबर पे है कुडियट्टम। कुडियट्टम साउथ का एक डांस है, संस्कृत रंगमंच, इसको भी 2008 में शामिल किया गया था। फोर्थ नंबर पे है रम्मन। रम्मन भारत के गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय कहाँ है, उत्तराखंड में है, वहाँ का धार्मिक त्यौहार और अनुष्ठान रंगमंच है। मतलब कि ये फेस्टिवल भी है और एक ड्रामा डांस भी है, और इसको 2009 में इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया था। फिफ्थ नंबर पे है मुडियट्टू। मुडियट्टू केरला का धार्मिक रंगमंच और नृत्य नाटिका है, इसको भी 2010 में यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। सिक्स नंबर पे है कालबेलिया डांस। तो कालबेलिया डांस जो है, ये तो बहुत ही फेमस है, ये राजस्थान का है। राजस्थान की जो सपेरा जनजाति है वो इसको परफॉर्म करती है। 2010 में इसको शामिल किया गया था, और कालबेलिया डांस की जो फेमस आर्टिस्ट हैं, गुलाबो सपेरा उनका नाम है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखते हैं सेवन्थ नंबर क्या है, छऊ डांस। तो छऊ डांस को 2010 में शामिल किया गया था। तो छऊ डांस कहाँ कहाँ पर होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा में। आठवें नंबर पे है लद्दाख का बौद्ध जप, जिसको 2012 में यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, और ये ट्रांस हिमालयन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होता है मेनली, क्योंकि वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। नाइन्थ नंबर पे है मणिपुर का संकीर्तन। संकीर्तन बहुत ही फेमस है, 2013 में इसको शामिल किया गया है, जिसमें सामूहिक डांस होता है ढोल के साथ, और ये ढोल को ही पुंग चोलम वहाँ पर बोला जाता है। टेंथ पे है जंडियाला गुरु पंजाब, भारत के ठठेरों के बीच बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प, मींस जो उनकी आर्ट है पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की, उसको भी शामिल किया गया है 2014 के अंदर। 11th नंबर पे आ जाएगा योगा, 2016 में इसको इंक्लूड किया गया। नेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन आपके लिए, नेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। 12th नंबर पे है नवरोज। नवरोज जो है फारसी लोगों का यानी कि ईरानी लोगों का बहुत ही फेमस त्यौहार है, जैसा कि हमारे इंडिया में भी कुछ फारसी लोग हैं, तो इसलिए इसे इंडिया में भी शामिल किया गया 2016 में, पर्शियन न्यू ईयर। 13 पे है कुंभ मेला। कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स में। और कहाँ कहाँ पर कुंभ मेला लगता है, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संगम मीन्स प्रयागराज, फिर उज्जैन। उज्जैन कहाँ पे है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। नासिक, नासिक कहाँ पे है, तो ये है महाराष्ट्र में। और हरिद्वार कहाँ पे है, तो हरिद्वार उत्तराखंड में है, देवभूमि। 14th नंबर पे आता है दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा तो बहुत ही फेमस है वेस्ट बंगाल का, दुर्गा पूजा, काली पूजा। तो इसको 2011 में शामिल किया गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के अंदर। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 14th और 15th बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये लेटेस्ट हैं, जिसमें 15th पे है गरबा, ये लास्ट है। 2023 में ही अभी रिसेंटली इसको गुजरात का गरबा कल्चरल इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया। तो आपको नंबर भी याद रखना है, तो टोटल 15 हैं, जिसमें से 14 और 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला दूसरा 14 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, योगा हो गया, तो योगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, योगा को कब इंक्लूड किया गया। और कुंभ मेला में ईयर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किस किस जगह कुंभ मेला लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों को ईयर वाइज और इसकी क्रोनोलॉजी वाइज कि 14th पे कौन है और 15th पे कौन है, इसे लर्न कर लीजिएगा। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल योगा डे या इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।